हे गाइस, सोलडेन पार्ट टू एपिसोड टू के वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। और चलो इस ऑसम एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरू में कोई बोलता है फाइनली इंसान की स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट मिल गया, और हम हो को देखते हैं जो भी अभी भी अनकॉन्शियस रहते हैं और उसे देख के उसको कमजोर बोलते हैं। तभी हम देखते हैं उस क्यूटर मॉन्स्टर को और उसको एक आवाज़ सुनने को मिलता है, और वो आवाज़ होता है कि सारा कुछ मेरा कंट्रोल में है और मैं ही हूँ सिर्फ एक इस दुनिया में। तभी वो बोलता है मैं हूँ टियानमिंग आइसवर्म, और कहते हैं स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट के साथ ह्यूमन को ढूंढना आसान नहीं होगा, और वो गुस्सा होते हैं। अरे यार, उसका गुस्सा होना भी क्यूट लगते हैं ना। तभी वो हो को देख के बोलता है मेरे से ये अफेक्ट भी नहीं हुआ, और कहते हैं इमीडिएटली इससे ज्वाइन होना पड़ेगा। तभी हो उठता है अलग ही प्लेस में और हैरान रहते हैं। तभी उसे आइस सिल्कवर्म की आवाज़ आते है, ये तुम्हारा ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। और हो सोचता है सपना है क्या? तभी वो बोलता है अगर ये सपना होता तो तुम खुश नहीं होते क्या? और वो हो को फिर से बोलता है ये तुम्हारा स्पिरिट वर्ल्ड है, और उसके मेमोरी को देख के बोलते हैं अरे तुम तो गधे हो, और फिर से उसे चीजों को समझाता है। और फाइनली उसके सामने आके बोलता है मैं एक मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट बेस्ट हूँ सिर्फ एक इस वर्चुअल दुनिया में, और स्टोरी का पहले विजडम स्पिरिट रिंग भी। तभी हमें कुछ क्यूट मोमेंट देखने को मिलता है, और हो पूछता है तुम मिलियन ईयर स्पिरिट बीस्ट हो, मुझे क्यों चूज किया? तभी उसे फेंक के बोलता है तुमने क्या सोचा मैंने तुम्हें चूज किया, मुझे करना पड़ा, अगर नहीं किया तो मेरा लाइफ फिनिश हो जाते, तो तुम्हें मैं प्रोसेस कभी बाद में बोलूंगा, बोल के उसे टेन सील्स के दिखाता है और उसको इंस्टॉल किया उसने ही, ऑल्सो वो इंक्लूड भी कर लेना जो पावर मैंने तुम्हें दिया। और उसे सुन के हो खुश हो के बोलता है क्या मेरे पास स्पिरिट रिंग है? तभी वो कहता है तुम्हारे पास बॉडी के साथ फास्ट स्पिरिट रिंग भी है, और जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे तुम्हारा फिजिकल कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा। और उसे सारा कुछ समझाता है फानी वे में, उसे कहता है आइस एट्रीब्यूट स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने की बात तुम्हारा गार्डियन स्पिरिट बस शेप को ही प्ले पाएगा, तो इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा फ्यूचर में जब तुम स्पिरिट रिंग को सिलेक्ट करोगे। तब हो उसे पूछता है क्या मेरा पावर क्या है, उसे रिप्लाई देता है वो तुम्हें खुद पता करना होगा, और उसको कहता है मैंने तुम्हें बेसिक सपोर्ट के लिए चार स्पिरिचुअल टेक्निक को दे दिया। और उसे जैसे सारे चीज़ों को समझाता है यार, वो देख के मजा आ गया, और उसे फाइनली बोलता है अब तुम्हें जाना होगा। और तभी सीन में आता है बे एंड टेंगिया, और उसके हालत को चेक करते हैं, और बे उसे चेक करके बोलता है ये ठीक तो है और इसे स्पिरिट और ये ठीक है और इसका स्पिरिट भी नॉर्मल है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, और कहता है मास्टर लेवल पर एंट्री किया है और इसके बॉडी को थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन वो तुरंत उठ जाता है, अपने आप को सवाल करते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और तभी वो दोनों को देखते हैं, और तभी टेंगिया उसे होश में देख के बहुत ही खुश होता है, और वो बोलता है तुमने तो टेंशन में ही डाल दिया, और बोलते हैं अगर तुम होश में नहीं आते तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तभी वो लोग उठते हैं, और अभी जो हो उसको पावर जो बढ़ते वो उनके पावर देख सकते हैं, साथ ही रिंग भी यार सारा कुछ देख सकते। अभी 1000 यार लेवल स्नैक देखते हैं जो कि टेंगे पे को बोलता है मुझे उसे चाहिए। तभी बे बोलता है या को कि तुम उसको कवर करो, मैं इसे खुद से ही हैंडल करता हूँ। तभी या के पावर देख के हो बोलता है क्या ये सिल्वर ब्लू ग्रास है? तभी यार हमें शानदार चेसिंग देखने को मिलता है यार, और तभी टेंगिया उसे प्रोटेक्ट भी करता है, और जिसे वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उसको उसके मॉम के अलावा कभी किसी ने भी प्यार तो छोरों प्रोटेक्ट भी नहीं किया होगा। तभी वो उसके अंदर से वो वर्म जो होता है वो उठ के कहता है भाई स्पिरिट डिटेक्शन एंड स्पिरिट शेयरिंग से बे को तुम हेल्प कर सकते हो। तभी वो पावर को एक्टिव करके दोनों को शेयर करते हैं, जिसे बे सारे चीजों को डिटेक्ट करते हैं और उसके लाइटनिंग टेक्निक को भी एक्टिव करते हैं और उसे करी शॉक देता है। तभी वो टेंगिया को भी बुलाती है और वो आके उसको मार देता है, और टेंगिया कल्टीवेट करने बैठ जाती है। तभी बे हो को थैंक्स बोल के बोलता है कि तुम्हारा डिटेक्शन टेक्निक के बिना मैं शायद ही 1000 ईयर स्नैक को पकड़ पाता। और तभी यो भी बोलता है कि भाई तुमने मुझे पहले मदद किया तो कोई भी बात नहीं। तभी या के पावर के बारे में बात चलते है, और तभी सवाल सिल्वर ब्लू ग्लास के भी सवाल आते हैं। तभी हो बोलता है गॉड टैंक्स एंड जिसने टैंक्स एक को ढूंढा, और उनके गार्डियन स्पिरिट भी सिल्वर ब्लू ग्लास ही है। तभी बे बोलता है तुम्हें सी गॉड टैंक्स एंड के बारे में पता है? तभी वो बोलता है कि स्पिरिट
वर्ल्ड में हर किसी को वो स्टोरी मालूम है और बोलता है जब मैं छोटा था तो मेरा मम्मी एक बार वो स्टोरी सुनाया था। 10,000 साल पहले टैंक्स एक फर्स्ट हैक मास्टर सेवन से एक मॉन्स्टर के लीड करके गार्डियन स्प्रिट एम्पायर को तबाह किया जो उस टाइम पर पावर में था, और सारे स्प्रिट वर्ल्ड का पैटर्न चेंज करके फ्यूचर के स्प्रिट मैटर को स्टेबलाइज किया और स्प्रिट वर्ल्ड का मास्टर लेवल का जो रेस्ट्रिक्शन था उसे भी तोड़ा इमोर्टल बनने के लिए। तभी बे बोलता है ब्लू सिल्वर ग्रास ये के पास यानी टैंगिया के पास भी है और वो टैंगिया बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन टैंगसेन के साथ कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि उन दोनों में अभी भी बहुत गैप है। और तभी हमें पता चलता है कि द गार्डन टैंगसेक का मास्टर टैंगिया है और कोई नहीं। और तभी हो भी फिर से वीक होता है और बे उसको मदद करते हैं, और तभी टैंगिया के भी काम सक्सेस होते हैं। तभी टैंगिया उसे टैंगसेक ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं और उसे शाउंटेन रिकॉर्ड देती है, और तभी हो को बोलता है, हो भी हाँ बोलता है क्योंकि उसे शायद ही किसी ने भाई कभी बुलाया। तभी टैंगिया भी बोलते हैं हम मिलके क्लान को फिर से ऊंचाइयों में ले जाएंगे। तभी भाई असली में जर्नी स्टार्ट होते हैं, मतलब जो न्यू जनरेशन का जर्नी वो अभी सच में स्टार्ट हो जाते हैं, और तीनों में काफ़ी मस्ती मजाक हम लोग देखते हैं वो लोग भाई एंड उनका जो असली सफ़र है वो हमें देखने को मिलता है। और हमें फाइनली देखने को मिलता है श्रेक सिटी, और हमें श्रेक एकेडमी के बारे में बताता है जो कि दुनिया का नंबर वन एकेडमी है, जिसे सुन के हो काफ़ी खुश होते हैं। तो एपिसोड कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताना, तब तक के लिए बाय।